हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं SBI क्लर्क 2022 के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट्स 30 प्लस हो जाएं, इन 20 मिनट्स के अंदर हो जाएं, और बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी या म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। SBI क्लर्क के रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए 20 मिनट समय अलॉट करे जाते हैं। उसके 20 मिनट्स के अंदर हमको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनक्वालिटी आ गई है, तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनक्वालिटी करते हैं, सिलॉक्स करते हैं, या फिर जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को करते हैं। पजल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे लास्ट में करें। मैं भी पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। उससे पहले हम लोग ये जो इनक्वालिटी वाले होते हैं सवाल, जो 1-1 मार्क्स के होते हैं, उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ज़्यादा 1 या 2 मिनट के अंदर अगर आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और क्वेश्चन है नहीं वन वर्ड वाले। सिलॉक्स आ गए हैं, सिलॉक्स कर लेते हैं। स्लॉक्स में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है बेसिक टू एडवांस लेवल की। उसमें मैंने स्लॉक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे डिस्कस करे हैं। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। 30 प्लस उसमें भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जितने भी ऑल के केस होते हैं या फिर ओनली का केस होता है, इसमें सब डिस्कस कर रखा है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप अभी बिगनिंग से सीख रहे हो सिलॉक्स, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सिलॉक्स को भी करने में करीबन करीबन 2 से 3 मिनट, अगर 5 सिलॉक्स हैं तो इतना ही लगना चाहिए एवरेज टाइम। उसके अंदर अंदर आपके सारे सिलॉक्स हो जाने चाहिए। कोशिश करा करिए कि 5 मिनट के अंदर, शुरुआत के जो 5 मिनट होते हैं उसके अंदर आप जितने भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कर लीजिए। आप ये अनसर्टेन वाली पजल है, इसको हम बाद में करेंगे। तो हम लोग पजल पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग पजल करते हैं। इसमें 7 बॉक्स दे रखे हैं जो ऊपर से नीचे रखे हुए हैं, और जैसा आप देख सकते हो मैंने ऐसे करके ग्रिड बना ली है। जो कंडीशन होंगी हम उसको नोट करेंगे, और जो कंडीशन हमको सीधे डायरेक्ट पुट करने वाली होगी हम उसे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। इन पजल को भी करने में आपको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगाना है। अगर 1.5 से 2 मिनट के अंदर नहीं बन रही है तो 1 मिनट और ले लीजिए, लेकिन 3 मिनट मैक्सिमम होता है। अगर 3 मिनट में भी नहीं बन रही है तो आप स्किप कर दीजिए, इसको लास्ट में करिएगा, ठीक है, नहीं तो ये काफ़ी टाइम खा जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो पॉसिबिलिटी बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी 2 पॉसिबिलिटी बनने लगी हैं यहाँ पे, तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। जिस भी पॉसिबिलिटी से बन जाएगा मैं उसको लेके आंसर टिक कर दूँगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि साथ ही साथ पॉसिबिलिटी बना के चलिए, एक बार ट्राई करके दूसरी पॉसिबिलिटी ना करें, साथ ही साथ करते रहें, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लर्क का पेपर है ये, तो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन ही आएंगे। हमारी पजल बन चुकी है, देख सकते हैं आप, लगभग 1 मिनट में बन गई थी पजल। अब इसको हम जल्दी जल्दी टिक करते हैं आंसर्स को, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाएंगे। ये मॉक टेस्ट देने का सिर्फ यही एक मोटिव है कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस दिखा सकें कि जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। टाइम का प्रेशर होता है और स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, बस वही सब है। और अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप फुल अटेम्प्ट भी कर सकते हो। मैं तो ट्राई करता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन का फुल अटेम्प्ट करूँ। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो आ जाते हैं उनको फिर छोड़ना पड़ जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा लेंथी है और लैंग्वेज लेंथी होती है, बाकी जो इसमें जो दिया रखा होता है तो बहुत ईजी होता है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। ये भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर पजल बना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए आपको भी। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो।
इस मॉक टेस्ट का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपको कम से कम 35 क्वेश्चंस हर दिन लगाने चाहिए। इसके साथ आपके 35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए बस। अब हमारी जो ये पज़ल है वो कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट लगा है, एक से 1.5 मिनट लगा है, उसके अंदर पज़ल कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जल्दी से जल्दी टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि अभी 6, 5.5 से 6 मिनट हुआ है और हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक पज़ल बन चुकी है। बाकी जो 1 मिनट वाले क्वेश्चंस थे वो भी हो चुके हैं और ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन भी हो गया है। अगर शुरुआत से आपकी स्पीड तेज रहेगी तो आपको लास्ट में टाइम भी बच सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अब पज़ल आ गई है हमारे पास वापस से। 8 फ्रेंड्स हैं, वो एक सर्कल में बैठे हैं। अब आपको कंडीशन नोट करके सर्कल में उनको अरेंज करना है। थोड़े नाम दे रखे हैं बस, इसीलिए लंबा है, लेंदी है, और सबके इनिशियल जो हैं वो ऐसे स्टार्ट हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इस केस में आप पूरा पूरा नाम लिखने की कोशिश करा करो, इनिशियल मत लिखा करो कि SU SA, क्योंकि ऐसा करके बहुत सारे नाम होते हैं। आप पूरा नाम लिख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 2 से 3 मिनट भी लगेगा ऐसी पज़ल में तो भी चल जाएगा, पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट वो पकड़ा करिए जिससे कि दो कंडीशन कंप्लीट हो रही हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वही पॉइंट पकड़ा है जिससे दो कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी भी बनाएंगे, लेकिन पहले इसे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपनी स्ट्रेटजी अपने आप बनाया करिए कि कैसे चेंज करना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी बन रही थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, उसमें नीचे वाले क्वेश्चन में अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो मुझे नाम पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पूरे लिखने के चक्कर में मैंने पॉसिबिलिटी नहीं बनाई। पर हमारी यही पॉसिबिलिटी सही हो गई है और पज़ल हमारी 1.5 मिनट के अंदर ही बन गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। सब लोग इनसाइड देख रहे हैं। जल्दी जल्दी हम टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पज़ल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं पज़ल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फ्लोर बेस या फिर ये जो सिटिंग वाली पज़ल्स होती हैं इनको कैसे करा जाता है, स्ट्रेटजी क्या रहती है, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक इसमें जेंडर ना बताया जाए आप उसको कैन नॉट डिटरमाइंड में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, CNT जैसे कहते हैं। जब तक जेंडर बताया नहीं जाता है, चाहे उसका नाम कोई कोई भी नाम हो, जैसे अनुज हो, तो अनुज का मतलब ये नहीं कि वो मेल ही होगा। जब तक उसमें जेंडर डिफाइन ना करा जाए कि ये मेल है फीमेल है, हम उसको CNT ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चंस में ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं कि एस रिलेटेड टू बी, हाउ एस रिलेटेड टू बी, और एस का कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, तो हम इसको CND मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। क्लर्क का पेपर इसलिए इजी लैंग्वेज में आएगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, लेकिन मैं तब भी आपको बता देता हूँ कि ऐसा होता है। क्लर्क के पेपर की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगी है। अब SBI की पिछले साल की कट ऑफ गई थी 80, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको 35 में से 35 का अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तभी हम लोग कट ऑफ से भी ऊपर हो पाएंगे और पेपर को भी क्लियर कर पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें 7 डेज दे रखे हैं, मंडे टू संडे तक, और उसमें हमको जो वर्क कर रहे हैं ये लोग, उनको बैठा लेना किसी तरह। इजी है, इसको मैं फ्लोर बेस की तरह ही इस्तेमाल करता हूँ, जो इसका स्ट्रक्चर है मैं उसे फ्लोर बेस जो पज़ल होती है उसकी तरह ही यूज़ करता हूँ। इसको भी आप लोग भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पज़ल, यहीं पे दिख रही है, तो
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी ट्राई कर सकते हो या फिर अभी ट्राई कर सकते हो। मेन चीज़ है क्वेश्चंस करना, कंटेंट आपको अगर प्रोवाइड करा जा रहा है तो आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे मैं कंडीशंस नोट कर रहा हूँ, इस पज़ल में थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझसे अभी हो नहीं रही है, तो मैं इसको अभी स्किप करता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आपसे कोई पज़ल बनती नहीं तो उसको किस टाइम पे स्किप करना है आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने इसको स्किप कर दिया, उसको हम बाद में कर लेंगे, पहले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसीलिए हम लोग पज़ल को लास्ट में करते हैं। क्योंकि अगर यही पज़ल हमने पहले करी होती और नहीं बनती तो सारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, लेकिन इसको ओवरकम करना है, यही स्ट्रेटजी होती है इसको ओवरकम करना है। तो अभी पहले वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें असर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं एक रो में फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, और नाम दे रखे हैं, थोड़ा नाम दे रखे होते हैं तो थोड़ा इससे डिफ़िकल्टी हो जाती है, लेकिन करते हैं हम लोग, करते हैं। पूरा पूरा नाम लिखने की कोशिश करिएगा, इनिशियल मत लिखिएगा, अगर सेम अक्षर नहीं हो तो इनिशियल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा नाम लिख के चलता हूँ, तो आप लोग भी पूरा नाम लिखिएगा जिससे आपको बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी या फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे। अभी मैंने सारी कंडीशंस नोट कर ली हैं, अब मैं ट्राई करूँगा कि इनमें से किसी कंडीशंस को लेकर मैं पज़ल कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है वाला पज़ल में, क्योंकि नेम दे रखे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, 2 से 2.5 मिनट से ऊपर हो गया है हमारा, और पज़ल अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, कंप्लीट हो नहीं पाई है। पर अभी अब कोई चारा भी नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि 2 ही पज़ल बची हैं वाली, एक ऊपर जो मैंने अभी इनकम छोड़ रखी है और ये की वाली पज़ल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं अभी ऑप्शन देखूँगा, उससे मेरा कन्फर्म हो जाएगा कि मैं पज़ल सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई करते रहो, स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने हैंड से ट्राई करो, या फिर वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, देखो कि मेरे से पहले पज़ल बन जाती है कि बाद में पज़ल बनती है, या फिर दिए हुए वक्त में पज़ल बन जाती है कि नहीं बन जाती है। अभी मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसको मैं शायद दोबारा से करूँ। अभी 6 मिनट बचे हैं, हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ऊपर वाली पज़ल भी कंप्लीट करनी है। अभी ऑप्शंस थोड़े मिसमैच हो रहे हैं इसमें,
इसलिए इस पजल को मैं दोबारा से करूँगा। पहले मैं ऊपर वाली देख लूँ, उसको भी मैंने छोड़ दिया है, फिर इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, थोड़ी पजल बन गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टाइम दिया है पजल्स में, 1-2 मिनट दिया है, तो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, थोड़ा मेमोरी बन जाती है, टेम्प्रेरी मेमोरी बन जाती है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। इसलिए ऐसा कोई टाइम वेस्ट जाता नहीं है हमारा। जो मैंने ऊपर भी टाइम दिया है तो मेरे अभी माइंड में है कि पज़ल में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। नीचे वाले में भी वही हैं, लेकिन कभी कभार एक बार में पज़ल नहीं बनती है, थोड़ा माइंड स्ट्राइक नहीं कर पाता है हमारा, इसलिए उसे 2-3 बार करना चाहिए। और स्विच कर लिया करिए कि अगर आपका नहीं बन रहा है तो स्विच कर लो। अब नीचे वाली पज़ल नहीं बनेगी तो इससे, लेकिन ऊपर वाली तो फिर ट्राई तो करनी है ना, तो इसलिए मैं ऊपर वाली पज़ल पे आ गया हूँ। जल्दी से मैंने पूरी पज़ल पढ़ ली है, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा। कंडीशन तो मेरी पहले से नोट डाउन थी, 4.5 मिनट बचा है, 4 मिनट के अंदर मैं 2 पज़ल बनानी है। अब कंडीशन मैं एक एक करके कंडीशन रखूँगा और पज़ल बनाने की कोशिश करूँगा। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं इसकी, मैंने एक और पॉसिबिलिटी भी ले ली है अभी यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हो पाए हैं मैं उतने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और लगता है कि इस वाले से पज़ल बन जाएगी मेरी। सारी कंडीशन हो गई है, अब मैं जल्दी से टिक कर देना है। ये वाली पज़ल मेरी कंप्लीट बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ ट्राई में कंप्लीट हो पाई है। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, आप एक बार ट्राई करते रहो, पज़ल आपकी बन जरूर जाएगी, ठीक है। तो इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है 1-2 मिनट, तो हम नीचे वाले पज़ल को भी ट्राई करेंगे। पर उससे पहले अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, इसको अगर आपकी प्लेस वैल्यू पता है आपको तो जल्दी से हो जाता है। इसमें आपको बोट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको बताना है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, इसमें जो प्लेस वैल्यू होती है वो याद कर लीजिए और इसे जिगजैग मोशन में लिखिए। जैसे मैंने जिगजैग मोशन में लिखा है ना, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। अब उनको पेयर ढूंढने हैं, तो इससे जिगजैग मोशन से पेयर बहुत आसानी से निकल आते हैं। हमारे 4 मोर देन 4 प्लेयर बन रहे हैं, इसलिए मैंने मोर देन 4 पे लगा के टिक कर दिया, अभी चेक भी नहीं करा है। अब लास्ट में जो ये पज़ल बची थी जिसमें थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे, मैं उसे दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में अगर बन जाती है तो बन जाती है। अगर आपको लगता है पज़ल 2 मिनट में नहीं बन पाती है और ऑप्शन टिक नहीं हो पाते हैं, तो ये आप भूल जाइए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। पज़ल 30 सेकंड में भी पज़ल बन जाती है, मैंने देखा है, मैंने ट्राई करा है अपने आप से। अगर मैं 1-2 बार इसे पढ़ लूँ पज़ल को, 30 सेकंड के अंदर ही पज़ल बन जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको कंडीशन तो सारी पता ही होती है ना, इतनी जल्दी तो भूलेंगे नहीं आपने कंडीशन, इसलिए ट्राई करते रहिए करिए। और अगर लास्ट में थोड़ा बहुत भी मिनट बचा है तो उसमें ट्राई जरूर करिए, हार मान के बैठ मत जाइए, ठीक है। मैं इस पज़ल को रिक्रिएट कर रहा हूँ, जितनी जल्दी बन जाए उतनी अच्छा है ये मेरे लिए। 1.5 मिनट बचा है मेरे पास बस। सिर्फ 1 मिनट बचा है इसमें। मैं सारी कंडीशन पहले से ही पढ़ रखी थी, तो मुझे पता था कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। बस एक बार थोड़े बहुत कन्फ्यूजन थे वो अब दूर हो जाएंगे और मेरी पज़ल एकदम कंप्लीट बन चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ 45 सेकंड्स बचे हैं, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी टिक कर लेता हूँ दोबारा से चेक करके। अब मेरे सारे ऑप्शंस एकदम मैच हो रहे हैं, ठीक है।
तो मेरी पज़ल कंप्लीट हो गई है, दोनों पज़ल कंप्लीट हो गई थी जो हो नहीं पा रही थी, और हमारे पास अब टाइम भी बचा नहीं है। अब देखता हूँ, शायद एक क्वेश्चन छूट रहा है मेरा अभी भी, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन छूट रहा है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत छूट जाते हैं, इसलिए 35 अटेंड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेरा जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमेशा डाउट रहता है कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऐसे करके दे रखे होंगे, उन वर्ड्स को निकाल के एक न्यू वर्ड बनाना होता है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो फिर मैं तो लीव कर देता हूँ। ठीक है, आप सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आए हैं। 34 अटैम्प्ट्स हैं मेरे, 32.75 आए हैं, इसका मतलब एक गलत गया है मेरा। चलिए अब देख लेते हैं क्या गलत गया है, उसको फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.